नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज, मैं हूं मनीष कुमार। अभी हम मौजूद हैं प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पे। यहां पे आज हाजीपुर डिवीजन के जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रिफिकेशन चीफ इंजीनियर हैं रंजन श्रीवास्तव जी, आज वो निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। और सुपौल से जो सरायगढ़ प्रतापगंज तक जो विद्युतीकरण का कार्य किया गया है, आज वो उसका निरीक्षण कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रोजेक्ट इंजीनियर से जो निरीक्षण के लिए आए हुए हैं कि इन संबंध में उनका क्या कुछ कहना है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर सर। आज जो है यहाँ पे ECR के द्वारा जो है निरीक्षण किया जा रहा है। बिल्कुल सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो निरीक्षण किया जा रहा है वो रेलवे विद्युतीकरण का, जो कि आज रेलवे विद्युतीकरण कम्प्लीट होने के बाद हमारे इधर जो सहरसा से इधर गाड़ी आती है डीजल वाली, वो संभवतः कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा ट्रेंड आ जाएगा ना, तो इससे क्या होगी, हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। उससे हमारे अभी जैसे एक गाड़ी आती है पैसेंजर, उनको बढ़ोतरी मिल जाएगी, एक से दो तीन हो सकती है, पाँच। सर कितना फीसदी काम पूरा हुआ है, कहाँ तक काम पूरा? 100% कम्प्लीट हो चुका है। अभी इसका निरीक्षण कम्प्लीटेशन होने के बाद अभी जो करने जा रहे हैं चीफ इंजीनियर श्री रंजन श्रीवास्तव, वो जो भी रिमार्क्स देते हैं उनको हम लोग फिर से अटेंड करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे तरफ से 100% कंप्लीट है। जैसे प्रतापगंज तक सर काम पूरा कर लिया गया इलेक्ट्रिफिकेशन का, बिल्कुल, क्या उम्मीद सर कब तक ट्रेन जो है यहाँ तक चल पाएगी? ये तो सर डिपार्टमेंट अलग है, हम लोग का काम है रेलवे विद्युतीकरण करके देना। ये तो जो ट्रेन बढ़ाते हैं या फिर कोई भी चीज़ डिसीजन लेते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जो भी करते हैं, ये दूसरे डिपार्टमेंट का होता है। हमारा काम जो है रेलवे विद्युतीकरण करके रेलवे को हैंड ओवर कर देना एज ए TRD। सर प्रतापगंज से फॉरबीगंज तक सर इसका क्या उम्मीद है, कब तक ये सर पूरा होगा विद्युतीकरण? इसका विद्युतीकरण कंप्लीट हो चुका है प्रतापगंज से सर फॉरबीगंज के लिए। प्रतापगंज से फॉरबीगंज तक का तो नहीं, प्रतापगंज से जो छातापुर रोड होल्ड है वहाँ तक हम लोग का नेक्स्ट एम है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने का। वहाँ सर कब तक पूरा कर लिया जाएगा? ये हमारे 3 से 4 मंथ्स के अंदर कम्प्लीट हो सकता है। प्रतापगंज से फॉरबीसगंज तक जो है इसका जो काम है विद्युतीकरण का, ये कब तक पूरा होगा? देखिए, प्रतापगंज से फॉरबीसगंज तक का तो नहीं, छातापुर रोड होल्ड तक का मुझे जैसा कि लग रहा है 3 से 4 मंथ जिस युद्ध स्तर से काम चल रहा है विद्युतीकरण का, 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ, आपका परिचय? गौतम कुमार, किस पद पे कार्यरत? प्रोजेक्ट इंजीनियर है एज ए जयमंगला कंस्ट्रक्शन जी। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि विद इन 3 मंथ के अंदर जो है प्रतापगंज से जो छातापुर हॉल्ट है वहां तक विद्युतीकरण का कार्य जो है लगभग पूरा कर लिया जाएगा, और इसके बाद जो है आगे जो है फॉरबीसगंज तक उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। इस खबर में इतना ही। इस खबर के लिए आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आकाशवाणी न्यूज के लिए प्रतापगंज सुपौल से मनीष कुमार। संकल्प इंटरनेशनल स्कूल दुर्गा मंदिर से उत्तर आरामील छातापुर सुपौल, संपर्क करें 9294966460 और 7739330199 पर। साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।